बड़ी विकट समस्या है। मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास कर रहा परंतु ये ताला खुल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई, वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है। परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश तो अपने कार्य में दुगनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। रुक जाओ दुर्योधन। नहीं मामाजी, आज मेरे मध्य मत आइए। बहुत हो गया इन पांडवों का। आज अभी और इसी क्षण इन पांडवों को और इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा मैं। और मुझे भी कोई कारण नहीं दिखता कि मैं तुम दोनों को अभी उसी समय समाप्त क्यों न कर डालूं। कारण है मेरे पास भीम, है कारण, परंतु वो कारण मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बताऊंगा। क्यों धर्मराज? आप तो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। आपसे ऐसे अधर्म की आशा नहीं की थी मैंने। अधर्म आपने किया है मामा श्री। आपने मामा श्री चलने को अपनी चाल में भर कोई छल नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया है मैंने। कदाचित आप भूल रहे हैं धर्मराज कि अभी तक युद्ध के कोई नियम निर्धारित नहीं हुए, तो हम पर कोई बंधन नहीं है। हम अपना पक्ष बढ़ाने को पूर्ण स्वतंत्र हैं, और हमने जो कुछ भी किया ना धर्मराज, वो हमारा अधिकार था। और क्या किया हमने है? हमने केवल और केवल एक अतिथि का सत्कार किया, बस। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, पढ़ा होगा आपने हैं अपने धर्म में। तो बताइए, एक अतिथि का सत्कार करना क्या दंडनीय है? और कोई छल नहीं किया इस पौंड्रक वासुदेव ने? अतिथि ने पौंड्रक वासुदेव को अपना परिचय पूछा तो उन्होंने बता दिया, उसमें क्या भूल की? और हाँ, आपके मामा श्री शल्य पर हमने कोई दबाव नहीं डाला, ना 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 ना, ना। बिल्कुल दबाव नहीं डाला, अपितु हमारे हमारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर हमारे साथ रहने का उन्होंने हमें वचन दिया स्वयं। धर्मराज, मुझे खेद है कि आपको मुझे धर्म समझाना पड़ रहा है। आपको क्या आपने धर्म शब्द का उच्चारण किया गांधार राज? We'll be right back.
अधर्म का ज्ञान आपके मुख से सुनकर आश्चर्य हुआ। उनके मुख से जिन्होंने स्वयं कभी धर्म की सीमा का मान न रखा, न राजभवन में, न उत्तराधिकारी के चुनाव में, न द्यूत क्रड़ा में, न दूत के सत्कार में। और आप धर्म की बात करते हैं गांधार राज, इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है माधव? आज तक अधर्म और छल के अतिरिक्त इन्होंने हमें दिया ही क्या है? अब ये मामाश्री का धर्म है, वो ही बताएंगे कि उन्होंने किस और से युद्ध करने का निर्णय लिया है। मेरा भी तो प्रश्न यही है, परंतु कुछ भी कोई भी निर्णय लेने से पूर्व एक बार तनिक सोच लीजिएगा। इस बात का स्मरण रखिएगा कि एक राजा का अपने नियम को तोड़ना अशोभनीय, निंदनीय होता है। कैसे आपकी प्रजा आपका सम्मान करेगी जो राजा अपने दिए हुए वचन को तोड़ देता है, दिए हुए वचन से पलट जाता है? क्या क्या मुख लेके जाएंगे आपके प्रजा के समक्ष आप? तो युद्ध में आप किसका साथ देंगे, अपने भांजों का या अपने वचन का सम्मान करेंगे, मान करेंगे? पुत्र नकुल, मुझे क्षमा कर दो, परंतु मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मुझे अपने वचन के मान के लिए इन कौरवों का पक्ष चुनना ही होगा। तो ठीक है मामाश्री, अब हम भी आप पर प्रहार करने के लिए सज रहेंगे। आपको इस निर्णय का गंभीर परिणाम भुगतना होगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पुत्र, चलिए कृष्ण, ये क्या देख रहा हूं? वो कृष्ण जिसके मुख से मुस्कान कभी जाती ही नहीं थी, आज वो इतना गंभीर मुख बनाकर बैठा है, इतना विद्रूप मुख बनाकर बैठा है। तनिक सोचो, युद्ध के पूर्व ही तुम्हारी ये दशा है तो युद्ध के पश्चात तुम्हारी कैसे दशा होगी? अब मुझे तुम्हें देखकर क्रोध नहीं आता, दया आती है, दया। तुम्हारी सेना तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारा पुत्र उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया,
तुम्हारा भाई, उसने तुम्हारा पक्ष नहीं चुना, सब कुछ छीन लिया गया तुमसे। अरे हाँ, मुझे तो अभी स्मरण हुआ, तुम तो बड़ा मायावी बनते हो ना, तो क्यों नहीं रोक लेते ये सब? हाँ, रोक लो, रुको। अरे हाँ, विचार करने वाली बात तो ये, जब मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया तो तुम उस सुदर्शन चक्र का क्या करोगे? क्या करोगे तुम उस सुदर्शन चक्र का? मेरी वस्तु मुझे वापस दे दो, मुझे मेरा सुदर्शन चक्र वापस दे दे पाखंडी कृष्ण। बस पाखंडी मत भूल तू किसके समक्ष खड़ा है। चांद, चांद बालक, चांद, ये मत भूलो, जब दो महापुरुष अति मानव वार्ता कर रहे हो तो एक साधारण बाण चलाने वाले को मौन रहना चाहिए। दुष्ट पौंड्रक, मैं आज ये सिद्ध कर देता हूं तू कितना बड़ा अति मानव है। अरे मूर्ख, तू अपनी तुलना वासुदेव से करता है। यदि साहस है तो आ और आके मुझसे युद्ध कर। मूर्ख तो तुम पांडु पुत्र हो, जो ये कभी नहीं समझ पाए कि कोयला कौन है और हीरा कौन, स्वर्ण क्या है और ताम्र क्या है। तुम सब अपनी आंखें खोल के देखो, ये जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है ये छलिया है, और मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव, महाशक्तिमान, महाबलशाली, इस सृष्टि का वास्तविक रचयिता मैं ही हूं। यदि मैं चाहूं तो तुम सबको एक क्षण में तुम सबका अंत कर सकता हूं, इसलिए मुझे मेरा अस्त्र उठाने के लिए पौंड्रक, अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस मत करो। मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूं और आज अंतिम चेतावनी देता हूं, मुझे वो करने के लिए बाध्य मत करो जिसके पश्चात तुम्हें पश्चाताप करने तक का अवसर ना मिले। जाओ यहां से पौंड्रक। अवसर तू मुझे देगा, मुझे वास्तविक वासुदेव को, पौंड्रक वासुदेव को, अवसर तो मैं तुझे नहीं दूंगा। दोबारा ऐसा दुस्साहस मत करना, अन्यथा कुछ करने के योग्य नहीं रह जाओगे पौंड्रक। मेरे पक्ष में होकर मुझे पर प्रहार करता है मूर्ख,
दुर्योधन, ये तुम्हारा मित्र है या शत्रु? तुम्हें पूर्ण विश्वास तो है ना कि ये हमारे ही पक्ष में है? अपने इस सूत पुत्र मित्र को समझा दो कि मेरे और उस पाखंडी कृष्ण के मध्य आना बंद करे, अन्यथा तुम्हारे मित्र को दुष्परिणाम भुगतना होगा। मित्रकांड, औंद्रक उचित कह रहा, तुम हमारे पक्ष में हो। औंद्रक को वासुदेव पर प्रहार करने से क्यों रोका? क्योंकि मैं वीर दुर्जय योद्धा दुर्योधन के पक्ष में हूं। पीठ पीछे वार करने वाले को कायर कहा जाता है, वीर नहीं। तो ये कहां का न्याय है मित्र, जहां एक निहत्ते पर पीछे से वार किया जाता है? क्या युद्ध से पूर्व ही हमारे पक्ष के योद्धा युद्ध के नियम भूल गए हैं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम इस भांति वासुदेव को वश में कर लोगे? सत्य को पहचानो मित्र, अपने नेत्र खोलो। नेत्र तो तुम्हारे बंद है मित्र। ये छलिया कोई अवतार नहीं है, केवल मायावी। शांति सभा में जो कुछ भी घटित हुआ केवल इस छलिए की माया थी। माया थी वो नहीं मित्र, तुम फिर से भूल कर रहे हो। भूल तो दुर्योधन ने किया, तुझे अपने पक्ष में रखकर विश्वासघाती। सत्य का ज्ञान तो तुझे नहीं है, तू अपने नेत्र खोल के देख। दुर्योधन, ये विश्वासघाती इन पांडवों के साथ और इस छलिए कृष्ण के साथ जाकर मिल चुका है। इस छलिए कृष्ण की वाणी बोल रहा है, उसके वश में है ये। अपने कर्मों को वश में ना रख पाए, परंतु अपने शब्दों को विराम लगाओ पौंद्रक। विश्वासघाती और छलिए तो तुम हो, जो स्वयं को किसी और के रूप में ढालना चाहता है। तुम एक अस्तित्वहीन घृणित जीव हो, जिसके पास ना कोई सम्मान है और ना स्वयं की पहचान। ओ, तो अब एक सूत पुत्र मुझे मेरी पहचान और मान का ज्ञान देगा? पहचान तो मैं तुझे गया, तूने पांडवों और इस कृष्ण के साथ मिलकर दोनों तरफ संधि की है। मित्र दुर्योधन, ये विश्वासघाती युद्ध में तुम्हें अवश्य हानि पहुंचाएगा। नहीं, शांत हो जाओ अंगराज, शांत हो जाओ। उचित ही तो कहा था पौंद्रक ने, आज मेरा हर अपना, मेरा हर संबंधी मेरे विपक्ष में खड़ा है, और अब तो मेरा नाम भी मेरा नहीं रहा, उसे पौंद्रक ने ले लिया। सत्य कहा तुमने पौंद्रक, तुम्हें वो अवश्य मिलना चाहिए जिसके तुम अधिकारी हो। अद्भुत कृष्ण, अद्भुत, आज प्रथम बार तेरे मुख से सत्य निकला है छलिए। तो अब मुझे वो सुदर्शन चक्र दे दे जिसका वास्तविक अधिकारी मैं हूं। दे मुझे वो सुदर्शन चक्र। ठीक है पौंद्रक, मैं इसी क्षण दोनों पक्षों को साक्षी मानकर तुम्हें वो देता हूं जिस पर तुम अपना अधिकार समझते हो। जो
निश्चित रूप से तुम्हें वासुदेव में परिवर्तित कर देगा। ये लो पौंत्रक, वो अस्त्र जिसका वास्तविक वासुदेव के पास होना अनिवार्य है।